अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भाटागांव के बनने के बाद अब स्थानीय व्यापारी और ठेले, गुमैठी और सब्जी व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के द्वारा कई बार जोर पूर्वक हटाने और खदेड़ने का भी मामला सामने आ चुका है, जिससे आक्रोशित स्थानीय लोगों व व्यापारियों ने बस स्टैंड का चक्का जाम कर बस रोका गया और यह निर्णय लिया गया कि अगर स्थानीय लोगों को व्यापार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो बस स्टैंड हटाने को लेकर उग्र प्रदर्शन करने में बाध्य रहेंगे। हम मल यहाँ छत्तीसगढ़ के मल यहाँ के मोहल्ला के जो हम लगाना चाहते थे मल हटा थे और हम चाहते कि यहीं पे लगाना चाहता और बाहर के मल ला के लगा थे तो हम उसे नहीं चाहता। हम एकजुट होके हम लगाना चाहते यहाँ पे और मल जगह दे हम पेट रोजी हम छोड़ के कहाँ जाएंगे। हमने जगह काम करा था सदियों दिन से और हम दुकान बार बार हटा थे तो हम कहाँ जाब हम यही जगह दे हम हमारे मन के निसारी पर जगह दो पेट रोजी चलाए पर हर चीज काम हम यहाँ पे करा था सदा दिन से तो हम छोटे मोटे दुकान दो लाइन से पूरा। इस समस्या को लेकर क्षेत्र के लोग, राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग, गौ सेवक और सभी आसपास के व्यापारी एक बार पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और हमने जोन कमिश्नर से मांग की थी कि भाई जो स्थानीय लोग हैं उनका भी व्यवस्थापन किया जाए। आज 200 साल से जो लोग यहाँ पे ढेंस का व्यापार कर रहे हैं, यहीं जो है मठ मंदिर की ज़मीन है, मठ मंदिर की ज़मीन से तालाब से डबरी से वो ढेंस निकालते हैं, सिंघाड़ा निकालते हैं और रोड में बैठ के पिछले 150-200 साल से व्यवसाय कर रहे हैं। आज उनकी चिंता किए बगैर जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पे बस स्टैंड खोली है और पंडरी के सारे व्यवसायियों को लाकर, एक धर्म विशेष के लोगों को लाकर यहाँ पे बसाया जा रहा है। और हमारे जो लोग हैं जो यहाँ लंबे समय से रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उनको उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हमारी केवल मांग है कि इनका व्यवस्थापन करे सरकार, उसके बाद जो इनकी व्यवस्था है वो करे। यहाँ पे बस स्टैंड चलाते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, बाहर से घुमटियाँ ला के लगाते हैं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की, स्थानीय व्यापारियों की उपेक्षा ना हो, ये हमारी मांग है। देखिए ऐसा है कि अभी हम लोगों ने एक रावण भाटा सुरक्षा समिति का हमने गठन किया है और उसके हम सभी संरक्षक हैं, यहाँ पे दीपक जी हैं, उमेश जी हैं, हम हैं और हम लोगों ने अभी लगातार हम संवाद कर रहे हैं महंत जी से और उनसे ये बात रख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी है, जो भी व्यवस्था है वो पारदर्शी बनाई जाए और उसकी एक नियमावली तैयार की जाए जिसमें हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई हों, उसमें अनुसूचित जाति के लोग हों, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हों, सामान्य वर्ग के लोग हों, विकलांग हो, महिला वर्ग हो, उन सभी को ध्यान में रख करके यहाँ पर स्थान का आवंटन किया जाए और आवंटन इस तरह से हो कि उसमें हमारे जो स्थानीय जो नागरिक हैं जो बरसों बरस से यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं उनकी कोई उपेक्षा ना हो, क्योंकि वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी से वो कार्य करते आ रहे हैं और आज हम उनकी लड़ाई ही लड़ रहे हैं और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमने रावण भाटा सुरक्षा समिति का हमने गठन किया है और ऐसा ध्यान में आया है कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की ना प्रसाधन की व्यवस्था है ना किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था है। लोग भटकते हुए हमारे यहाँ आते हैं और हमारे कार्यकर्ता फिर उनको सही ढंग से उनको गाइड करते हैं कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए और इस ढंग से उनका शोषण नहीं हो पा रहा है, वरना वो जानकारी के अभाव में उस शोषण के भी शिकार हो रहे हैं। तो यात्री और यात्रियों के लिए जो भी सुविधा यहाँ पे सरकार ने बनाई है उसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक लापरवाही मुझे नज़र आ रही है और उसमें हमारे स्थानीय नागरिक सर्वाधिक हाशिए पे जा रहे हैं और ये पूरा ये इलाका जो है, ये जो हम जो लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे सामाजिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, हम ये देख रहे हैं कि ये बस टर्मिनल के आने से यहाँ पे रोज़गार की जो दर है हमारे स्थानीय लोगों की वो घट गई है और उनको पलायन करके अन्यत्र जाना पड़ जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन हम ये पलायन होने नहीं देंगे। हमारा साफ साफ कहना है बस टर्मिनल और उनके जो भी संचालक हैं और शासन प्रशासन के लोगों से कि वो समय रहते ये स्थानीय लोगों की जो जन भावना है उसका ख्याल रखें और यदि वो ख्याल नहीं रखेंगे तो हम उग्र आंदोलन के लिए मजबूर रहेंगे। जो हमारे भी संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उसका हम पालन करते हुए हम अपनी मांग जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। राजधानी रायपुर में नया बस स्टैंड तो बन गया है लेकिन बस स्टैंड बनने से बहुत सारी समस्याओं का स्थानीय नागरिकों को, स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये है राजधानी रायपुर के नया बस स्टैंड, आप तस्वीरों में देख सकते हैं और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे लोग जो ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि उनकी जो स्थानीय जो मांग है, क्योंकि उनको जो यहाँ पर जो सब्जी के व्यापार करने वाले जो छोटे व्यापारी हैं उनको यहाँ से बेदखल किया जा रहा है, जिसको लेकर के ये आक्रोश
देखा जा सकता है। साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों यानी कि जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं उनको यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। जो लंबे समय से यहाँ पर व्यापार करते थे उन्हें अब नगर निगम के द्वारा हटाने का यहाँ पर कई बार उनके जो अधिकारी है वो आ चुके हैं, जिसको लेकर के अब ये सड़क अवरुद्ध हैं और सड़क को जाम किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क जाम किए हैं और महापौर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं। और ये प्रदर्शन लगातार जारी है। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है कि क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्या लग रहा है, क्यों हटाया जा रहा है हम लोग को, क्यों हटाया जा रहा है ये सब, हम लोग का घर वार सब चौड़ीकरण करने के लिए सब ठेला वेला हटावा रहे हैं, बस बस चल रहा है, इसलिए पूरा बाहर के लोगों को जगह दे रहे हैं और हम लोग को जगह ही नहीं मिल रहा है। पूरा हमारा ठेला के लिए हम लोग को जगह दो हम लोग के लिए, बाकी सब जो करना है करे, अपना काम व्यवस्था सब हम लोग को छीना जा रहा है, यहाँ से हम लोग का पेट मारा जा रहा है, यहाँ पर हम लोग का रोजी रोटी यहाँ के लोगों को बेरोजगार करके बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हम लोग यहाँ के निवासी, हमारा पैदाइशी है और हम लोग यहाँ पर बेरोजगार कर लिए जा रहे हैं यहाँ के लोग। तो लोगों का प्रदर्शन जा रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, आप बताएंगे क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शुरू से मन सदियों से यहाँ लगाते हुए आथन भैया दुकान लाओ, हमारे यहाँ से हटा थे तो हमने यहाँ पे लगाना चाहा था, लगान दे हमला और ऊपर से आदेश है कि लगाए, लेकिन बाहर के मन लगान नहीं देते भैया। ये मठ का जमीन है, क्यों हटाया जा रहा है, महंसी से बात हुआ है, वहाँ लगाने के लिए दे रहे हैं सब बहुत जने, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी और जो है दो तीन जने वो लोग ज्यादा मना कर रहे हैं और हम लोग भैया ये हटाया जा रहा है, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ समस्या है भाई। ये मठ की जमीन है, मठ की जमीन है और यहाँ पे ये स्थानीय जो व्यापारी लोग हैं ये लंबे समय से यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं। इनकी व्यवस्था किए बिना यहाँ बस स्टैंड को लाना और पंडरी से पूरी गुमटियों को यहाँ पे ला के स्थापित करना, यह सरासर गलत है। हम चाहते हैं भाई बस स्टैंड का संचालन करे, वहाँ से गुमटियाँ ला के स्थापित कर रहा है, उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन स्थानीय जो व्यापारियों हैं उनकी उपेक्षा ना हो, उनका भी व्यवस्थापन हो, उनकी भी चिंता की जाए, यह हमारी मांग है। आज केवल हम यह कुछ 25-50 व्यापारियों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यदि शासन प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर नहीं होती तो टिकरा पारा, संतोषी नगर, मठ पारा, मठ पुरैना, ये सारे लोगों को मिलाकर यहां से बस स्टैंड को हटाने की हम मांग करेंगे। सीधा बस क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्यों ऐसा हटाया जा रहा है? समस्या का सामना कहा भैया, हम उनके पूरा पेट मार गए ना, पूरा हम उनके बारी बकरी पटा गए, ये दे बैठे हैं ते रोड में बैठे हैं, हैं हमारे उनके बिक्री भी नहीं हुआ थे, हम तो बहुत कस्टमर ना, बंद करवा दो बस ये टेसल पे, हमारे उनके पेट भूख मरी तब हम तो बंद करावो है, हमारे पेट नहीं भूख मरना चाहिए, हम गरीब आदमी हैं, हमारे उनके धंधा पानी चलना चाहिए, हम ढेस भाजी कर मतलब भाजी एकरे धंधा करता। ये नवे नवेले आलिशान बस स्टैंड तो बन गया है लेकिन गरीबों का निवाला यानी कि छत्तीसगढ़ियों का निवाला छत्तीसगढ़िया सरकार में छीना जा रहा है। अब देखना होगा कब छत्तीसगढ़िया सरकार और छत्तीसगढ़िया सरकार के ये जो जिम्मेदार नेता और जो महापौर है और जो महापौर के अंतर्गत काम करने वाले जो अधिकारी है कब उनकी संवेदना जागती है और गरीबों का निवालों पर लात मारने से अचूक रह पाती है। कैमरा पर्सन प्रतिमा के साथ टिकेश शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।